उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कल लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाएगा, यानी मतदान होगा, जिसके लिए आज रविवार को कार्मिक मतदान कराने के लिए रवाना हुए CSNPG कॉलेज और ITI से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई। जिले के 2124 मतदान केंद्रों के 3328 बूथों पर 13312 कार्मिक मतदान कराएंगे, जिनको आज रवाना किया जा रहा है। DM मंगला प्रसाद सिंह ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को मतदान कराने के लिए 12 मई को पोलिंग पार्टियों को संबंधित बूथ के लिए रवाना किया गया। लोकसभा क्षेत्र हरदोई के लिए CSNPG कॉलेज से कार्मिकों को रवाना किया गया है। लोकसभा क्षेत्र हरदोई के लिए 5 विधानसभा क्षेत्र सवाईशपुर, शाहबाद, हरदोई, गोपामऊ और सांडी की पोलिंग पार्टी को CSNPG कॉलेज बुलाया गया। लोकसभा क्षेत्र मिश्रिक क्षेत्र के लिए जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र विलग्राम, मल्लावा, बालामऊ और संडीला के लिए पोलिंग पार्टियों को ITI से रवाना किए जाने की व्यवस्था की गई। पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल पर कार्मिकों को ड्यूटी आदेश वितरण काउंटर के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9-9 मेज लगवाई गई है। 8 मेज पर ड्यूटी आदेश का वितरण किया गया है, 1 मेज प्रभारी के लिए थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वितरण के लिए भी पर्याप्त जगह लेते हुए काउंटर बनाए गए, ताकि कार्मिकों को दिक्कतें न होने पाएं। DMSP सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि घरों से निकलें और मतदान करें, यह आपका हक भी है और कर्तव्य भी। जनपद हरदोई में आज मतदान पार्टियों की रवानगी हो रही है। यहाँ डिस्पैच सेंटर हरदोई संसदीय क्षेत्र का बना है, जिसमें 5 विधानसभाएं हैं, सवाईजपुर, शाहबाद, हरदोई, सांडी और गोपामऊ। इसके बगल में मिश्रिक संसदीय क्षेत्र की भी 3 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टीज की रवानगी हो रही है। रवानगी स्थल में काफ़ी चहल पहल है। हमारे सभी पीठासीन और मतदान अधिकारी आ चुके हैं, अपना अपना सामान प्राप्त कर रहे हैं, EVMs और पोलिंग मटेरियल्स। बसें भी लगी हुई हैं, सुरक्षा के भी अच्छे बंदोबस्त हैं। सभी कर्मचारी अधिकारी अपने अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात हैं और हम लोगों ने वेलफेयर मेजर्स के तहत सभी पोलिंग पर्सनल्स के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं कराई हैं। पोलिंग स्टेशन पर भी उनके लिए अच्छी व्यवस्था है, साथ ही साथ मतदाताओं के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं कराई हैं। कल 13 तारीख के मतदान के लिए, कल 13 तारीख को मतदान के लिए पूरा जिला तैयार है और हम सभी जनपदवासियों से अपील करते हैं कि वो कल 13 तारीख को अपने बूथ पर आएँ और सब परिवार सब 100% मतदान करें।